नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, स्पार्क साइंस सेंटर कोइलवर हर वर्ष सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। जैसा कि पिछले वर्ष यहां के स्टूडेंट्स ने देश के सबसे अच्छे इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा IIT और बिहार इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में अच्छा मार्क्स लाया था, और आप सबको पता है कि बिहार बोर्ड के क्लास 12 का रिजल्ट आ चुका है। तो चलिए जान लेते हैं यहाँ के स्टूडेंट का कैसा रिजल्ट रहा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट से, और फिर हम बात करेंगे स्पार्क साइंस सेंटर के संचालक अरविंद सर से इस रिजल्ट के बारे में। मैं गायत्री कुमारी कोइलवर से हूँ। मेरा IIScमें 76% आया है। मेरी सफलता के पीछे टेस्ट का अहम योगदान रहा है। प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव टेस्ट दिया। सिलेबस खत्म होने के बाद टेस्ट सीरीज दिए। टेस्ट सीरीज के तहत मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए, जिससे मेरे को क्वेश्चन के आंसर याद रहे। और मैं अपनी सफलता के पीछे टेस्ट को अहम भूमिका देती हूँ। थैंक यू। मेरा नाम मनीषा कुमारी है और मैं पड़ेव गांव से स्पार्क साइंस सेंटर कोइलवर में कोचिंग करने आती हूँ, और मेरा रिजल्ट 77% आया है। मेरा नाम मुस्कान कुमारी है, मैं भी पड़ेव से आती हूँ। मेरा IIScका रिजल्ट 65% आया है। और मेरे रिजल्ट के पीछे का सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ का मेडिटेशन है, और इसके साथ साथ यहाँ के टीचर्स का योगदान भी है। बट मेडिटेशन इज़ द बेस्ट फैक्टर। तो इसकी मेडिटेशन की वजह से हम अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान फोकस कर पाते हैं, और मेडिटेशन की वजह से ही मतलब हमारी ज़िंदगी में जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, या फिर पढ़ाई कैसे करना है, अपने जीवन के जितने भी प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व कैसे करना है, उन सब का आंसर हमें मेडिटेशन के थ्रू मिल जाता है, जिसकी वजह से हम अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। और इसके साथ साथ मैं रोज़ 8 घंटे पढ़ती थी, जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट इतना अच्छा है। और साथ साथ यहाँ के टीचर्स भी इतने अच्छे हैं कि किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, या फिर जीवन की कोई प्रॉब्लम हो, कुछ डिस्कस करना हो, तो वो हमें रास्ता बताते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी पढ़ाई पे और अपने काम पे अच्छी तरह से ध्यान फोकस कर पाते हैं। और इसके कारण ही मेरा रिजल्ट इतना अच्छा है, 77%। मैं आज परवीन हूँ, मैं कोइलवर गांव से हूँ। मेरा 72% आया है। ये जिससे मैं 72% आया है, मेरे सफलता के पीछे यह राज है कि यहाँ पूरा सिलेबस पहले कंप्लीट कराया गया, उसके बाद क्रैश कोर्स और रिवीजन क्लास हुआ, जिससे मेरा सिलेबस दोबारा कंप्लीट हुआ, और जिससे मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहा और मेरा अच्छा परसेंटेज आया। थैंक यू। मैं गोलू कुमार, मैं मणिकपुर से हूँ, और मेरा IIScका रिजल्ट 79% आया है। और मैं अपनी सफलता का श्रेय यहाँ के सभी शिक्षकों को देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर हैं, और जैसे कि यहाँ पे जो अरविंद सर हैं वो फिजिक्स और मैथ के हैं, वो इंजीनियर हैं, एंड जो केमिस्ट्री के हैं मनोज सर, वो MSc किए हैं, और इंग्लिश के जो टीचर हैं रमेश सर, वो MA इंग्लिश से किए हैं। थैंक यू। मैं अनीश कुमार मानिकपुर से हूँ। मेरा IIScका रिजल्ट 73% आया है। मुझे यहाँ के वातावरण से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि यहाँ क्लास के बाहर और क्लास के अंदर हमेशा डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। मैं जब यहाँ पर पढ़ता था तो क्लास के बाद भी रुक कर यहाँ पढ़ सकता था, इसकी फैसिलिटी यहाँ पर थी। थैंक यू। मेरा नाम सूरज कुमार मिश्रा, सकड्डी से हूँ। मैंने 78% IIScमें स्कोर किया है। मेरे सफलता के पीछे सबसे बड़ा फैक्ट यही रहा है कि यहाँ पे मेरा जो टाइम है सेल्फ स्टडी पे देने का, वो मैं बहुत ज़्यादा बचा पाया हूँ। अगर कोइलवर, मैं ऐसे ग्रामीण क्षेत्र से हूँ सकड्डी से, अगर कोइलवर में स्पार्क नहीं होता, ये जो कि सकड्डी से थोड़ा नज़दीक है, तो मुझे इसके लिए आरा जाना होता, और आरा जाने आने में जो टाइम होता वो बहुत ज़्यादा खर्च होता, आने जाने में बस से, ट्रेन से, जैसे भी। और यहाँ पे नज़दीक होने के कारण मैं साइकिल से भी आ सकता हूँ, ऑटो से भी आ सकता हूँ, जाम लगने के बाद भी मैं यहाँ पे पहुँच जाता हूँ टाइम से। और सेकेंड फैक्ट ये है यहाँ का, एक ही इंस्टीट्यूट में, एक ही जगह पे हमारे सारे सब्जेक्ट के टीचर्स मौजूद हैं, जिसके कारण मैं अपना उसमें भी टाइम बचा के, जो ट्यूशन आने जाने में, ट्यूशन चेंज करने में जो टाइम लगता, वो भी बचा के मैं अपना यहाँ पे पढ़ाई में दे, सेल्फ स्टडी में दे सकता हूँ, और ज़्यादा थकावट भी नहीं होती, जिसके कारण मैं अपना सेल्फ स्टडी ज़्यादा ग्रो करता है।
अभी हमारे साथ हैं स्पार्क साइंस सेंटर के संचालक अरविंद सर। तो अरविंद सर से जानते हैं रिजल्ट के बारे में। सर बच्चों से तो जान लिया इतना बेहतरीन रिजल्ट रहा, पर सर आप ओवरऑल कैसे देखते हैं इस रिजल्ट को? रिजल्ट काफ़ी हमारे लिए उत्साहवर्धक रहा इस साल का। वैसे तो पूरे बिहार का भी रिजल्ट अच्छा रहा, लेकिन हम अपनी बात करें तो इस बार स्पार्क का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। जैसे कि यहाँ 100% बच्चे पास रहे। अच्छा। जबकि यही आंकड़ा अगर हम देखें बिहार को लेके, आईएससी को लेके खास करके, तो वो 81% के लगभग था। और जहां फर्स्ट डिवीजन की बात करें तो और ही अच्छा रिजल्ट रहा, क्योंकि फर्स्ट डिवीजन में यहां पे 82% बच्चों ने 82% हाँ 82% बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन लाया जो स्पार्क में पढ़ते थे। हाँ, जबकि बिहार में यही आईएससी में फर्स्ट डिवीजन का परसेंटेज 26 रहा। अच्छा, 26 तो हाँ। ये लगभग 3 गुना रिजल्ट रहा। तो इसलिए हम लोग को बहुत ही खुशी है। अच्छा, कितने बच्चे पढ़ते थे सर 12th में? यहाँ लगभग 66 बच्चों का एडमिशन था। अच्छा, जिसमें से 58 बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन लाया। अच्छा, तो 66 में से 58% 58 बच्चों ने अच्छा फर्स्ट डिवीजन। तो क्या प्लानिंग था सर इसके पीछे? इसके पीछे हमारी पहले तो हम इसको जाने कि क्या क्या ऑब्स्टेकल हैं इस रास्ते में। अच्छा। जब हम एजुकेशन को लेके आगे बढ़ते हैं तो अभी का जो माहौल है उसमें लेके बच्चों को ये पहली जो प्रॉब्लम्स हम लोग के सामने आ रही है वो है सोशल नेटवर्किंग की। अच्छा, सोशल नेटवर्किंग की प्रॉब्लम आ रही है। जैसे आप व्हाट्सएप देखिए, फेसबुक देखिए, या जो चैनल्स आ गए इतने सारे, यूट्यूब, इंटरनेट, तो बच्चे कहीं ना कहीं इसमें ट्रैप हो रहे हैं। अच्छा, तो ये हमारे सामने एक प्रॉब्लम है। दूसरा, यहाँ ग्रामीण क्षेत्र है तो यहाँ को लेके मतलब थोड़ी गरीबी भी है, और इतनी ज्यादा मतलब एक तरह से बच्चे आते तो है पर वो कॉम्पिटिटिव माहौल नहीं है उनके मन में। अच्छा, क्लियर नहीं है एम, तो एम भी क्लियर करना एक बड़ी बात है यहाँ पे। अच्छा, तो इन सबको देखते हुए पहले तो यहाँ के जो टीचर्स हैं और हम सबने मिलकर पहली बात है कि सब्जेक्ट्स को रोचक तरीके से पढ़ाना चालू किया। अच्छा, और हम लगातार इसमें इम्प्रूवमेंट करते जा रहे हैं। ये तो नहीं कर सकते कि सब चीजें परफेक्ट है, लेकिन मैं और इंक्लूडिंग यहाँ जो भी टीचर्स हैं वो अपने अपने सब्जेक्ट में हर साल ये चाह रहे हैं कि जो सुख बच्चों को उधर मिल रहा है म्यूजिक सुन के, गॉसिप से, तो वही सुख उसको यहाँ पढ़ाई से भी मिले। अच्छा। क्योंकि हम सब जानते हैं ज्ञान कहीं ना कहीं हमें खुशी देता है। तो पहली बात ये रही कि रोचक तरीके से पढ़ाना। दूसरी बात है, हर बच्चा डिफरेंट होता है। हाँ। अलग होता है, तो हम एक ही तरीके से हर बच्चे को ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो कुछ बच्चों को स्नेह पूर्वक, कुछ को डिसिप्लिन से, कुछ को उसके फ्यूचर गोल को दिखा के, और उसकी मतलब कहे तो उसकी इच्छाओं को बढ़ा के, और इस तरह से हम उन्हें पढ़ाई के दौड़ में, कंपटीशन में शामिल किया। ये भी एक अहम बात है। तो सर आप बताएं कि जो एक और ऑब्स्टेकल आप बताएं कि गरीब बच्चे बहुत हैं इधर क्षेत्र में, तो सर उनके लिए क्या सपोर्ट है स्पार्क से? हाँ, गरीब बच्चों के लिए खास करके मेरी अपील है कि वो जो हर पंचायत के मुखिया हैं, हाँ, ये लगभग 20-22 मुखिया हैं जो स्पार्क से संबंधित हैं, और वहाँ से गरीब बच्चों के लिए या हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए खास 25% की उनकी कुल फीस में छूट है। अच्छा, तो ये भी एक बहुत अच्छा, हम लोगों ने देर से ही सही पर फैसला बहुत अच्छा किया। ये फैसला पिछले 3 सालों से चल रहा है। पिछले 3 सालों से ये बच्चे को मिल रहा है। हाँ जी। और सर जो बच्चे कोइलवर के हैं वो तो पंचायत में नहीं आएंगे। हाँ, उनका भी इसी तरीके से है कि वार्ड पार्षद जो है उनके, तो वार्ड पार्षद उनको 10% की छूट दे सकते हैं। अच्छा, गरीबी और हैंडीकैप के आधार पे। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ जो मेडिटेशन बच्चों को सिखाया गया, जिन बच्चों ने टॉप किया 80, 78, 79, 75, तो ये एक अहम मतलब हिस्सा रहा जो हमने देखा कि उनका कंसंट्रेशन बढ़ा। तो मेडिटेशन करने वाले बच्चों ने रिजल्ट अच्छा किया। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे या कहीं भी पढ़ने वालों से मेरी एक अपील है कि वो आकर, ये 3 दिन का क्लास है, तो करके देख सकते हैं। हाँ, बच्चों से भी हमारी बात हुई थी, वो भी बता रहे थे इसके बारे में। जी जी। हाँ, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकालकर ये इंटरव्यू देने के लिए। थैंक यू।